हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से हम वापस आए हैं अनिरुद्ध जी आचार्य जी की और जाकिर नायक की वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि मरने के बाद, मतलब आप अगर इफ़ यू आर मर गए हो आप अगर, और आपको पाप किए आपने या फिर पुण्य किए, उनके हिसाब से क्या क्या बनते हैं। मतलब डेफिनेटली ये थोड़े अनिरुद्ध आचार्य जी पहले बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि पापी इंसान मरकर सुअर बनता है, ये टाइटल है वैसे वीडियो का। बट हमें नहीं पता क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, क्योंकि सिर्फ सुअर ही ज़रूरी नहीं है या फिर पिग, जैसे कहते हैं कि मतलब इस्लाम के अंदर सुअर को बहुत ही हराम जानवर माना गया है, उसे खाना भी, मतलब जैसे डेफिनेटली जैसे कि नॉनवेज लोग खाते हैं, हिंदू है जो मुस्लिम हो, सभी लोग जो नॉनवेज खाते हैं, लोग जो लोग नॉनवेज खाते हैं ओनली, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन खाता है कौन नहीं, बट पापी इंसान मरकर क्या बनता है, ये इस टॉपिक से वीडियो रिलेटेड है। इसके अंदर अनिरुद्ध आचार्य जी भी है और डॉक्टर जाकिर नाइक भी है, जो जवाब दे रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है, क्या बनते हो, किस तरीके से माहौल है। तो ये वाली वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखेंगे हम। डॉक्टर जाकिर नाइक अनिरुद्ध आचार्य जी की वीडियो है, जो कि आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो हम इनकी वीडियोज कर रहे हैं और आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं आप लोग के कमेंट पढ़ के। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहना कि हम नेक्स्ट किस वीडियो पर करें, या फिर वीडियो से आपको क्या कैसी लग रही है वीडियोस, तो आप डेफिनेटली जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को। अब भगवान पूछते हैं, भाई अब तू बता, तुझे पहले पाप का फल भोगा दूं के पुण्य का फल भोगा दूं? जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु मुझे पहले पाप भोगा दो, भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है? हाँ, ज्यादा पाप है ना, पहले पाप। जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। ये थोड़ी जी थोड़ा कॉमेडी भी डाल दे। ये यार बहुत चला था मीम। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। और जब पूरा पाप तुम भोग भोगा के ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, ये चलता रहता। जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, ये चलता रहता। यार इन्होंने कॉमेडी डाली है बीच में वीडियो में। जब पूरा पाप फिनिश हो जाता है, फिर भगवान के पास गए, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान बोले 100 ग्राम पुण्य है, अब एक काम करो, जाओ तुम। अब बढ़िया, भगवान ने जयपुर में बढ़िया आप लोगों को भेज दिया, जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर के। आज जितनी माए बहन आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो, इसलिए बढ़िया दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, मौज से पनीर भी खा रहे हो और मौज कर रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, बढ़िया नोट गिन रहे हो, ये बढ़िया आपका पुण्य है। आपका पुण्य है तो आपको मानव का तन मिला, आपका पुण्य है तो आपको पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, आपका पुण्य है तो आपको खाने को बढ़िया रोटी मिल रही है। ये कॉन्सेप्ट मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। दीपक लाल आम हिंदू मतलब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विद कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, मतलब जो पैदा ही डिफेक्टिव होते हैं, लिम प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में, तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग है, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा, हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, अंग्रेजी में कहते ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है क्या बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट,
तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे कई आयते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं फिर जिंदगी दी इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में वर्स नंबर 22 में उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass, same way the soul takes a new body। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती, जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुबहाना व ताला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुबहाना व ताला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते नहीं, तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 out of 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम।
मिसाल के तौर पे अगर आप बीए पास करते हैं तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप एमबीबीएस पास करते हैं आपको डॉक्टर कहलाया जाता है, डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुबहाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाइज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाइज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है कि नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है, और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सजा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान ने भी है आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं एक बार आते हैं, सही तरीके से जियेंगे तो एक बार काफी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे है, सभी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप सुनोगे तो इफ़ अगर नहीं लिखा, मतलब लिखा हुआ ही अगर सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेट करें कि हाँ धार्मिक किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो दोनों ही किताबों में पुनर्जन्म जैसी चीज़ें लिखी हुई है, बट हम हमारे ऊपर बात है कि हम उसको कैसे समझ रही है। डेफिनेटली यार अगर आप कहीं लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म, तो हम यही नहीं सोच सकते कि आखिरत की ज़िंदगी है, या फिर अगर लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म तो हम ये भी सोच सकते हैं पुनर्जन्म दूसरा जन्म भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई उसे क्या समझ रहा है। मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, दोनों में से किसी नहीं बता रहा, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई उसे कैसे समझ रहा है। डेफिनेटली पर इनका जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर जाकिर नायक जी का काफ़ी अच्छा है इनका कॉन्सेप्ट, और वीडियोज हमें काफ़ी पसंद आया, बहुत पसंद आ रही है। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना प्लीज हमारी वीडियो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।